हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज की हमारी रेसिपी दाल से बनने वाली है, जो कि बहुत ही नई रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इस रेसिपी को देखने के बाद से आपको इस रेसिपी से प्यार ही हो जाने वाला है, इतना ज़्यादा नई रेसिपी है। मैंने यहाँ पर उड़द दाल का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसकी जगह पर मूंग दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर उड़द की दाल ली हुई है और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। 1.5 कप मैंने उड़द की दाल ली है और इनको 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। अच्छे से भीगने के बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो डाल लेते हैं एक मिक्सचर जार में। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब में चने की दाल भी भिगो ली थी और इनको भी हम इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है अगर इसके साथ डाल रहे हैं तो अगर आप मूंग की दाल भी यूज़ कर रहे हैं तो भी चने की दाल ज़रूर डालें। अब हम इसमें डालेंगे 7-8 लहसुन की कलियाँ जिनको हमने छील के लिया है, 2 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है धनिया के पत्ते। ये देसी धनिया, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और सुगंध भी बहुत ही बढ़िया रहती है। तो ये मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब में धनिया के पत्ते डाल रहे हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लें फिर डालें और इनको हम कम पानी में पीसेंगे, बहुत ही कम, 2 टेबलस्पून पानी डाल के। बिल्कुल महीन ग्राइंड कर लिया मैंने इनको, बिल्कुल प्यूरी, और बहुत ही कम पानी का यूज़ किया है मैंने। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके पीसे, मैंने एक बार में ही पीस लिया है। 3 टेबलस्पून पानी यूज़ किया है मैंने इसमें पूरा पीसने में। तो बैटर को हमने साइड में रख लिया है और अब हमें लिया है एक बड़ा सा बाउल और बाउल में हम डालेंगे कुछ सब्जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 छोटे से प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। 2 शिमला मिर्च को हमने इस तरीके से चौकोर चौकोर टुकड़े में काट के लिया है, छोटे छोटे, उनको भी हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो अलग अलग कलर्स के भी ले सकते हैं। ये मैंने टमाटर लिया है एक छोटा सा और उसके बीज और गुदे मैंने निकाल दिए हैं और इनको भी मैंने इस तरीके से चौकोर चौकोर टुकड़े में काट लिया है छोटा छोटा और इनको भी डाल देते हैं इसमें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न, ये देखिए स्वीट कॉर्न है और मैंने इनको थोड़ा सा बॉईल करके लिया है, आप कच्चा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब में स्वीट कॉर्न लिया है और उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, आप चाहे तो कॉटेज चीज़ भी ले सकती हैं। ये होममेड पनीर है, बहुत ही स्पंजी है। 100 ग्राम के करीब में पनीर लिया है और इनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिया है, हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सारी सब्जियां हमने ऐड कर ली हैं। अब मैंने लिया है दही, दही में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और दही खट्टी भी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 3 टेबलस्पून के करीब में हम ये दही ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है पिज़्ज़ा मिक्स, आप इसकी जगह पे ओरिगानो या फिर सीजनिंग भी ले सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, इसको ज़रूर डालें। 1 छोटी चम्मच लिया है मैंने और अब हमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है और आप चाहे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो लहसुन को बारीक कूट के या फिर पीस के भी डाल सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दही की अच्छे से कोटिंग हो गई है, हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, सिर्फ 3 टेबलस्पून काफ़ी रहेगा। तो अच्छे से मिला लिया है मैंने और अब हम इनको 1 घंटे के लिए इनको मेरीनेट होने के लिए रख देंगे। तो हम इनको ढक देंगे और ढक कर हम इनको 1 घंटे के लिए रख देंगे, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं आप। मिक्सचर मेरीनेट होता है तब तक हम बैटर में नमक ऐड कर लेते हैं। तो नमक हमने डाल दिया है 1/2 छोटी चम्मच और इस मिक्सचर को हम अच्छे से नमक मिलाएंगे, बढ़िया से विस्क करेंगे, चाहे तो विस्कर की मदद से आप विस्क कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालें इनो फ्रूट साल्ट का, मैंने 1 सैसे लिया है आप देख सकते हैं, और इसको भी हम इसमें डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे आधा डालेंगे। तो हम इसमें डाल देते हैं, इसको डालने से बहुत ही फ्लफी हो जाएगा मिक्सचर और बहुत ही अच्छा फूल जाएगा। इसको डाल के तुरंत ही मिला लें, ज़्यादा देर ना करें, इसको मिलाने के बाद रखना नहीं है, बस फटाफट से मिलाना है। आप खुद ही देखेंगे कितना जल्दी ये फूल जाएगा, देखिए मिक्सचर बहुत ही फ्लफी हो गया है, चलाना भी बहुत इजी हो रहा है। अच्छे से मिला लेना है हमें सब। तब तक हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें और इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब में बटर और अच्छे से मिला लें। बटर को अच्छे से मेल्ट होने के बाद ही हम मिक्सर को डालेंगे। तो अच्छे से बटर मेल्ट हो गया है और अब हमने जो
इनो वाला बैटर बनाया था उसको हमें इसमें फटाफट से डाल लेना है। फ्लेम को हमें कम ही रखना है और इसको हमें अच्छे तरीके से बराबर कर लेना है पैन में डाल के राउंड शेप में। तो हमने इनको राउंड शेप में कर लिया है, ये देखिए अच्छे तरीके से, और ढक्कन लगा देंगे और इनको हम 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से कुक होने देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हम इनको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इनके जो किनारे हैं ना वो निकल रहे हैं आराम से, हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि चिपकेगा नहीं। और अब हम इनको इस तरीके से इनको टर्न करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से हम इनको टर्न करना है। ये देखिए ऊपर की लेयर कितनी अच्छे से क्रिस्प हो गई है, ऊपरी लेयर आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें बटर लगाएंगे ताकि नीचे की लेयर अच्छे से कुक हो जाए। तो हम बटर को इस तरीके से करेंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से क्रिस्प हो जाए और कुक हो जाए। और फिर से हम इनको टर्न करने के बाद 5 से 7 मिनट कुक करेंगे लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के। मिक्सचर भी मैरिनेट हो गया है 1 घंटे के बाद। और अब हम 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे इसमें सेजवान चटनी और इनको हम मिला लेंगे। इसको हमें मैरिनेट करते समय नहीं डालना है, बाद में डालना है, तो अच्छे से मिला लेना है हमें। जैसा हम पिज़्ज़ा बनाते समय बेस पे चटनी लगाते हैं सेजवान चटनी, उसी तरीके से हम यहाँ पे बेस में नहीं लगाएंगे, मिक्सचर में ही मिला लेते हैं। तो हम इस तरीके से मिला लेंगे इसमें अच्छे से। और अब हम यहाँ पे 5-7 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, हमें अच्छे से कुक हो गया है। तो हमने यहाँ पर लेना है 1 चाकू और इनकी जो ऊपरी हिस्सा है ना हमको उसको बिल्कुल हल्के हल्के से कट करना है। ध्यान रहे चाकू जो है वो बेस में नहीं चिपकना चाहिए, तली में नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ ऊपरी लाइन को हमें कट करना है, ऊपरी परत को। और काटने के बाद हमें इनको खोल लेना है एक एक करके, बहुत ही ध्यान से खोले, टूटे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रहे जहाँ जहाँ कट किया है। ये देखिए मैंने इनको खोल लिया है और अब हम इसके अंदर जो मिक्सचर हमने बना के रखा था मैरिनेट किया हुआ, इस तरीके से चम्मच की मदद से हम भर देंगे। बढ़िया से भरना है, जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। आप चाहे तो इसमें मोजरेला चीज़ भी आप इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अब हम इनको कवर कर लेंगे, अच्छे तरीके से कवर कर लें। और इनको हम ऊपर हम यहाँ पे डालेंगे ग्रेट किया हुआ चीज़, ये मोजरेला चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रेट करके ताकि जो भी ओपन है हिस्सा वो अच्छे से लॉक हो जाए चीज़ से। तो हमने पर स्लाइस वाली चीज़ ली है और उसको इस तरीके से तोड़ के हम बिछा लेंगे ऊपर। और अब हम ढक्कन लगा देंगे और चीज़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कुक होने देंगे लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद मैंने इनको हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको निकाल लिया है। थोड़ा सा ऊपर हम इसके ऊपर छिड़केंगे पिज़्ज़ा मिक्स और उसके बाद डालेंगे चिली फ्लेक्स, ऊपर से हल्का सा छिड़क देंगे। और जिस तरीके से पिज़्ज़ा कट करते हैं बस उसी तरीके से काट लेना है। और ये बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही यमी है और बहुत ही डिलीशियस है, साथ में बहुत हेल्दी भी है। तो आपके बच्चे जब भी खाने का मन करे तो आप इन्हें फटाफट से बना के दे सकते हैं कम मेहनत के साथ में, और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार है। बस पिज़्ज़ा और इसमें अंतर इतना ही है कि पिज़्ज़ा में 4 लेयर्स होते हैं और इसमें 8 हैं और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इसको आप अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। आप देख सकते हैं कितना स्टफिंग भी बहुत यमी बना है और ये भी बन के तैयार हो गया, साथ में बहुत क्रिस्पी भी है, अच्छे से कुक हो गया है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ढेर सारी और भी रेसिपीज़ के लिए आप ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आप मुझे YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। पिज़्ज़ा की रेसिपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कढ़ाई में पिज़्ज़ा कैसे बनाए। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।